ध्यान देने का। लेकिन पूरे देखते देखते 6 साल का बीत गए, 7वां साल स्टार्ट हो गया, एक भी उस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं, सिवाय झूठ फरेब और सिवाय झूठी बातों के। तो अब सिर्फ एक चीज होगी, 25 फरवरी सुबह 11 बजे सभी के सभी स्टूडेंट जितने भी हैं, जितने एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं किसी और चैनल का, दुनिया में जिसे भी आप फॉलो करते हो, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप आज या आने वाले समय में गवर्नमेंट एग्जाम्स में अपना फ्यूचर देखते हैं, तो आपको अपनी हक की आवाज करनी होगी और दिखाना होगा कि अभी भी इस देश में ये भगत सिंह का देश है, सुभाष चंद्र बोस जी का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, जिस देश की नींव जन आंदोलन, जिस देश की नींव रखी गई थी कि इस युवा को, इस देश के हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति को एक उसकी योग्यता के हिसाब से स्थान मिलेगा। योग्य होते चले गए, कॉलेज डिग्री की फीस लेते चले गए, स्कूल CBSE ICSE या अपने बाकी प्राइवेट हजारों हजारों रुपए की फीस लेते चले गए, स्कूल का गया, स्कूल के बाद में डिग्री दी, उसके लिए दुनिया भर की फीस, लेकिन वो सब आके कागज के रद्दी का, कागज का एक टुकड़ा, एक रद्दी के रूप में रह गई, उससे मिलने वाला कुछ नहीं है। तो अभी सभी लोग एक हुंकार, एक पुकार, एक जवाब, 25 फरवरी ये दिन याद रख लीजिए, और एक तरफ से 25 फरवरी सुबह 11 बजे से सुबह 11 बजे मोदी रोजगार दो, हैश मोदी रोजगार दो, ये अंडर स्कोर है, ये जो नीचे का चिन्ह है अंडर स्कोर है, और एक जब भी आप ट्वीट करें तो कुमार विवेक 14 ये जरूर टैग कर देना, बाकी प्रधानमंत्री मोदी जी और अपने होम मिनिस्टर, सरकार के जितने भी, क्योंकि ये बात सिर्फ SSC रेलवे की नहीं है, ये पूरी की पूरी व्यवस्था की, हालांकि जब हम दी गई, और अब अगर रोजगार पे बात नहीं हुई तो इस देश का युवा गले में बेरोजगार का पट्टा डाल के घूमेगा। जो ये मीडिया सरकार के कहने पे ये दिखा रही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला। इससे सरकार का ईगो इतना बढ़ चुका है कि आज सरकार खुद को देश से ऊपर समझने लगी है। आप कितने भी आंदोलन कर लो, कितने भी प्रोटेस्ट कर लो, आपकी बात पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हमने क्यों ये 25 तारीख रखी है, क्यों हमने 5 दिन का वक्त लिया है, कि 5 दिन के अंदर हम इस पूरे देश को जगा देंगे, इस देश की मीडिया को जगा देंगे, इस देश की सेलिब्रिटीज को जगा देंगे। आवाज इतनी बुलंद होगी कि आज मिलियन ट्वीट्स होने के बाद भी अगर मीडिया इस मुद्दे पे बात नहीं करती, मीडिया अगर सरकार को अप्रोच नहीं करती कि देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, वैसे आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि सरकार को भी पता है कि देश में ठीक नहीं चल रहा, बट ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। हम किसी लॉ को वापस करने की बात नहीं कर रहे, मोदी रोजगार दो ट्विटर पे जो ट्रेंड कराने की बात हुई है, उस बात का इतना सा मतलब है कि सरकार अब शिक्षाविदों से भी बात करे, सरकार एक ऐसी कमेटी टाइम लिमिट में बना दे 10 दिन के अंदर, जो ये ऐसे लोगों से पूछे कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस आंदोलन को खत्म करने वाले नहीं है, ये लगातार चलने वाला है। देखिए, ये जो हमारी सरकार है, जो भारत सरकार, वो आजकल रोजगार नहीं देती है, वो देती है रोजगार के अवसर, और अवसर वो ऐसे पटकते हैं, ये लो अवसर, ये लो अवसर, और अवसर अक्सर छूट जाते हैं, लोगों के पल्ले पड़ते नहीं हैं, और इसमें भी हमारी ही गलती है। जिस तरीके से सरकार का हक है टैक्स कलेक्ट करना, आप टूथब्रश, पेंट, साबुन, एवरीथिंग, सुई से लेके आप जो भी खरीदते हो, आप हर एक चीज पे गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, खाने के बिस्किट तक पे, उसी तरीके से सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को उसके अनुभव के हिसाब से, उसकी एजुकेशन के हिसाब से, उसके टैलेंट के हिसाब से रोजगार दिया जाए। ये दोनों एक दूसरे की पूरक चीजें हैं। देश की जनता तो सरकार का सहयोग भरपूर कर रही है, जरूरत से ज्यादा टैक्स देने को तैयार है, लेकिन सरकार को जितना रोजगार देने चाहिए उसका 10% भी रोजगार युवाओं को नहीं दे पाई है। तो ये क्या है, ये एक युवा विरोधी सरकार की तरह इसको देखा जाना चाहिए। आप बताओ कि कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी, कोई भी पॉलिटिशियन अपने दिल पे हाथ रख के ये कह सकता है कि मैंने पिछले 5 सालों में कुल मिलाकर भी 2 करोड़ रोजगार दिए हूं। साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो बहुत दूर की है, कि पिछले 5 साल में कुल मिलाकर भी
2 करोड़ रोजगार इन्होंने दिए हो, कोई भी नहीं कह सकता। कहते कि हमारा इंडिया डिजिटल इंडिया बन रहा। भाई डिजिटल तो विश्व बन रहा है, अफ्रीका में भी इंटरनेट चलता है, नेपाल में भी इंटरनेट चलता है, भूटान में भी इंटरनेट चलता है। हाथ में एंड्रॉयड फोन आ जाना और सस्ता इंटरनेट आ जाना और फेसबुक पे अकाउंट बन जाने को डिजिटल इंडिया कहते हैं। जिस इंडिया में 1 लाख स्टूडेंट का ऑनलाइन एग्जाम एक दिन में नहीं हो सकता, वो काहे का डिजिटल इंडिया है। बेरोजगारी 45 साल के चरम लेवल पे, कोई बात हुई भाई ये? है बेरोजगारी